बहुत समय पहले दो प्रतिस्पर्धी राज्य साथ साथ रहते थे, मानव साम्राज्य जिसका नेतृत्व एक निर्दयी शासक करता था और मूर एक शांत क्षेत्र जो कई मिलनसार अलौकिक प्राणियों से आबाद था। मिल्फिकेंट इसोबेल मोलॉय विशाल पंखों वाली एक युवा परी लड़की जो अन्य जादुई प्राणियों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करती है, मूर का एक निवासी है। नॉटग्रास इमेल्डा स्टॉन्टन, फ्लिटल लेस्ली मैनविल और थीसलविट जूनो टेम्पल तीन छोटी परियां यंग मिल्फिकेंट को सूचित करती हैं कि मोर्स की सीमा पर वन रक्षकों द्वारा एक चोर को पकड़ा गया है। स्टीफन एक मानव लड़का जिसने चोरी की थी गहना लौटाता है और स्वीकार करता है कि वह एक अनाथ है जिसका कोई सच्चा परिवार नहीं है। मिल्फिकेंट द्वारा उसे क्षमा कर दिया जाता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है जो कुछ समय तक चलती है। स्टीफन मिल्फिकेंट को उसके 16वें जन्मदिन पर सच्चे प्यार का चुंबन देता है, लेकिन राजा के गर्भगृह में सत्ता के लिए उसकी वासना का पीछा करने के लिए उसे पीछे छोड़ देता है। मिल्फिकेंट जो अब एंजेलिना जोली है, वयस्क होने पर मूर्स की मुख्य रक्षक है। किंग हेनरी केनेट क्रैनहैम मानवता के लाभ के लिए मूरों को खत्म करने के प्रयास में अपनी सेना का नेतृत्व करता है, लेकिन मिल्फिकेंट जादुई प्राणियों की अपनी सेना के साथ हमले को सफलतापूर्वक दोहराता है। लड़ाई के दौरान एक घातक घाव प्राप्त करने के बाद राजा हेनरी ने मूरों के लिए खड़ी होने वाली पंख वाली महिला के लिए अपनी अवमानना की घोषणा की। राजा हेनरी, जिसकी उत्तराधिकारी के रूप में केवल एक बेटी है, शादी में अपना हाथ और अपने सैनिकों में से किसी को भी सिंहासन प्रदान करता है जो मिल्फिकेंट के निधन को साबित कर सकता है। मिल्फिकेंट के साथ अपने रोमांस के बावजूद स्टीफन अब शार्लेटो कोपले उम्मीद में चुनौती स्वीकार करता है नए राजा के रूप में कार्यभार संभालने के लिए। शाम को स्टीफन मूर के पास लौटता है और मिल्फिकेंट से मिलता है जो खुश है और अपने दोस्त को फिर से देखने के लिए कम से कम संदेह नहीं करता है। सोने के लिए उसे पीने के लिए पीने के बाद स्टीफन चाकू मारकर उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस महिला को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता जिसे वह एक बार प्यार करता था, इसलिए जब वह सोती है तो वह अनाड़ी रूप से उसके पंख उतार देता है। जब मालिफिकेंट जागता है तो वह अपने क्षतिग्रस्त पंखों के दर्द से कमजोर महसूस करते हुए स्टीफन पर प्रतिशोध की कसम खाता है। किंग हेनरी ने स्टीफन को ताज और अपनी बेटी का हाथ दिया क्योंकि वह अपनी मृत्यु के समय मिल्फिकेंट की हार के सबूत के रूप में पंख लेता है। मालिफिकेंट, जिसने उड़ने की अपनी क्षमता खो दी है, पास के एक खेत से एक बंदी रेवेन को छोड़ देता है और उसे एक आदमी में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। डायवल सैम रिले, एक रेवेन मैन, उसके द्वारा अपने जीवन को बचाने के बदले में उसके पंख के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता है। वह मूर के सम्राट होने का दावा करती है, अपने आसपास के जादू को जादू से भर देती है और मानव साम्राज्य के शासक स्टीफन को एक बार और सभी के लिए आराम करने के लिए रखती है। डायवल ने शाही परिचारकों को नवजात बच्ची के बारे में चर्चा करते हुए सुना जो राजा और रानी के पास थी। स्टीफन के महल पर जासूसी करते हुए वह मिल्फिकेंट को जानकारी बताने के लिए दौड़ता है क्योंकि अब उसके पास सटीक प्रतिशोध का मौका होगा। वह बच्चे के बपतिस्मा पर अघोषित रूप से दिखाई देती है और राजकुमारी को श्राप देती है। राजकुमारी अरोरा 16 वर्ष की होने से पहले वह अपनी उंगली चरखे पर चुभेगी और सदा मृत्यु जैसी स्थिति में प्रवेश करेगी। मिल्फिकेंट के चुटीले बयान से स्टीफन का और अपमान होता है कि सच्चे प्यार का चुंबन जीवन को वापस लाने का एकमात्र तरीका है। मिल्फिकेंट स्टीफन की विनती को स्वीकार करता है और उसे अपने घुटनों पर भी रखता है, लेकिन वह दया दिखाने के लिए अपने अन्याय का बदला लेने के लिए बहुत संतुष्ट है। मिल्फिकेंट मूर को घेरने और मानवता को दूर रखने के बाद घने कांटों वाले पेड़ों की एक विशाल दीवार बनाता है। जब वह अदालत को अस्थिर करती है अभिशाप से बचने के प्रयास में, स्टीफन अपनी युवा बेटी को तीन वुडलैंड परियों द्वारा पालने के लिए भेजता है, जबकि दायरे में सभी कताई पहियों को नष्ट करने और महल की जेल में रखने का आदेश देता है। अरोरा बड़ी होती जाती है, नॉटग्रास, फ्लिटल और थीसलविट को उस पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे आसानी से विचलित हो जाते हैं, लेकिन राजकुमारी को मिल्फिकेंट के अभिशाप से बचाया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि उसे 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहना चाहिए। अरोरा की युवावस्था के दौरान मिल्फिकेंट और डियावल उस पर सतर्क नजर रखते हैं।
कभी कभी संपर्क बनाते हैं, लेकिन कभी भी यह उजागर नहीं करते कि वह कौन है। एले फैनिंग आकर्षक युवा अरोरा की भूमिका निभाती है, जो अपनी शाही विरासत या मेलफिकेंट के अभिशाप से अनजान है। जैसे जैसे अरोरा अपने 16वें जन्मदिन पर आती है, मेलफिकेंट यह स्वीकार करना शुरू कर देता है कि वह अरोरा से उतनी नफरत नहीं करती जितनी वह स्टीफन से करती है। मेलफिकेंट को पता चलता है कि राजकुमारी एक सभ्य निर्दोष व्यक्ति है जो इस तरह के क्रूर भाग्य के योग्य नहीं है। वह लड़की पर एक संक्षिप्त नींद का जादू डालती है और उसे पछतावे से मूर में ले जाती है। जब अरोरा जागती है तो सुंदर परियों की दुनिया ने उसे मोहित कर लिया है, और जब मेलफिकेंट प्रकट होता है तो वह हैरान रह जाती है। मेलफिकेंट वह है जिसे अरोरा खुशी से पहचानती है और दावा करती है कि वह उसकी परी गॉडमदर है। वह कहती है कि उनके पास बचपन के विभिन्न एपिसोड से मेलफिकेंट की यादें हैं। मेलफिकेंट सच्चाई का खुलासा किए बिना अपने स्वयं के श्राप के प्राप्तकर्ता को जानने के लिए शाम बिताता है। अरोरा को सोने के लिए वापस अपनी कुटिया में लाने के बाद मेलफिकेंट अभिशाप को उलटने की कोशिश करता है, लेकिन उसने इसे बहुत मजबूत बना दिया था। मेलफिकेंट स्वीकार करता है कि उसने इसे एक झूठी आशा के रूप में शामिल किया, क्योंकि उसने सोचा कि यह अस्तित्व में नहीं था। स्टीफन और अधिक पागल हो जाता है। जिस दिन श्राप समाप्त होने वाला है उस दिन मेलफिकेंट प्रकट होगा, और राजा को पता है कि रानी मर रही है। महल के एक अलग हिस्से में वह अपने कटे हुए पंखों को एक कांच के मामले में रखता है। वह वास्तविकता से संपर्क खो देता है, पंखों के साथ बातचीत को भटकाता है और केवल मेलफिकेंट के बारे में सुनता है। मेलफिकेंट अपने दुखद जन्मदिन से एक रात पहले अरोरा से एक ऐसे खतरे के बारे में बात करती है जिसे वह रोक नहीं पा रही है। अरोरा अपनी फेरी गॉडमदर के साथ मूर्स में रहने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है। उसके आशावाद को बनाए रखते हुए प्रिंस फिलिप ब्रेंटन थ्वाइट्स, जो अरोरा से दिशा निर्देश मांगता है, उसे नोटिस करता है क्योंकि वह अपनी चाची को बताने के लिए तैयार है। तीन परियों ने उसे पाला समाचार। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण से असहज रूप से अचंभित हो जाते हैं। उनके संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद अरोरा ने परियों को अपनी खबर सुनाई, और वे इतने चौंक गए कि उन्होंने अरोरा के असली माता पिता और मेलफिकेंट के अभिशाप की बारीकियों का खुलासा किया। मूर्स में जब मेलफिकेंट का सामना अरोरा से होता है जो भयभीत है, तो वह अफसोस के साथ सच कहती है। अरोरा अब भयभीत और अविश्वासी मानव क्षेत्र को छोड़ देता है। राजकुमारी अरोरा को अंततः उस शाम उसके पिता को वापस दे दिया गया। इससे पहले कि स्टीफन अपनी बेटी को अपनी सुरक्षा के लिए बंद कर दे, वे एक संक्षिप्त अश्रुपूरित पुनर्मिलन का आनंद लेते हैं। जब वह मूर के पास लौटती है तो मेलफिकेंट अभिशाप को तोड़ने के लिए एक और प्रयास करने के लिए तैयार हो जाती है। मेलफिकेंट बल्कि घबराए हुए राजकुमार पर एक नींद का जादू करता है, और अभिशाप के प्रभावी होने से पहले अरोरा तक पहुंचने के प्रयास में उसे वुडलैंड के पार फुसफुसाता है। स्टीफन को एक गार्ड द्वारा सूचित किया गया है कि मेलफिकेंट को महल के भीतर देखा गया है। जब वह अरोरा के कक्ष से बाहर निकलती है तो शाही गार्ड उसे चौंका देते हैं और हमला कर देते हैं। दियावल को एक विशाल अजगर में बदलने और स्टीफन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले मेलफिकेंट ने अरोरा को सुरक्षा के लिए भागने का आदेश दिया। कटे हुए पंखों को अरोरा द्वारा ग्लास कैबिनेट में रखा गया है, क्योंकि वह मेलफिकेंट की मदद के लिए कुछ भी ढूंढ रही है। जब पंखों को अपनी मालकिन की उपस्थिति का आभास होता है तो वे गलत तरीके से फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, जब तक कि अरोरा उन्हें छोड़ नहीं देता। स्टीफन के मेलफिकेंट पर घातक प्रहार करने से ठीक पहले पंख उसके पास लौट आते हैं और उसके पास उड़ जाते हैं। स्टीफन उस जंजीर से चिपक जाता है जिसे मेलफिकेंट ने अपने पैर के चारों ओर लपेटा है, क्योंकि वह उसे एक खिड़की से बाहर खींचती है और महल के एक टॉवर पर चढ़ती है, क्योंकि वह अपने दुश्मनों के ऊपर चढ़ती है। स्टीफन मेलफिकेंट को फिर से घूंसा मारता है, उन दोनों को टॉवर से उड़ते हुए भेज देता है, क्योंकि वह बिना किसी मौत के संघर्ष को खत्म करना चाहती है। शक्ति और प्रतिशोध के लिए अपनी स्वयं की अतृप्त प्यास के परिणाम स्वरूप स्टीफन को मार दिया जाता है, क्योंकि मेलफिकेंट उड़ान भरता है। मूर्स की काली शक्ति मेलफिकेंट द्वारा जल्दी से दूर हो जाती है।
जिससे भूमि अपने पिछले वैभव और चमक में लौट आती है। अब जबकि मूर और मानव क्षेत्र एक हो गए हैं, अरोरा को दोनों की रानी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मालिफिकेंट, जो अब अपने घृणित आवेगों से बंधा नहीं है, मूर के कोमल निवासियों के बीच आनंद पूर्वक रहता है और डाइवल के साथ आकाश में चढ़ता है। प्रिंस फिलिप और अरोरा के बीच प्यार जारी है और कहानी यही खत्म होती है।